हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस इन्फो में। और आज की इस वीडियो में हम आप सबको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं जो आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप काशी विद्यापीठ के छात्र हैं या फिर आपका कॉलेज काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड है, संबंधित है, तो आज का ये वीडियो आप सबको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो नोटिस आई है, इस नोटिस में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर साथ साथ जिनका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है उनके लिए भी ये नोटिस आई है। और ये नोटिस किस बारे में है हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा और आपका टाइम टेबल कब आएगा और आपका एडमिट कार्ड कब इशू होगा। क्योंकि दोस्तों, हमने देखा है आप सबके अंदर, हालांकि हमने कई वीडियोस में बताया है कि आपकी परीक्षाएं कब होंगी, लेकिन उसके बावजूद आप सभी के अंदर काफ़ी सारे डाउट्स चल रहे हैं, काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। दोस्तों, तो एक एक करके फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, सब कुछ दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। एक एक करके वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, यानी कि हमारे इस डीएनएस स्टडी के चैनल पर, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन, यानी कि काशी विद्यापीठ से संबंधित हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले वो टाइम पर मिल सके। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम इस नोटिस को पढ़ेंगे, ठीक है। ये नोटिस किस बारे में है, किसके किसके लिए है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी परीक्षाएं कब होंगी, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका टाइम टेबल कब आएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले इस नोटिस को पढ़ते हैं। अगर आप देखें तो 21 फरवरी यानी कि आज ही की नोटिस है, 21 फरवरी आज है, आप सभी को पता है। चलिए हम इसको देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो कुलपति जी के आदेश अनुसार स्नातक का मतलब क्या होता है, यूजी, जिसमें आपके बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम सेमेस्टर, बीएड एवं बीएससी बीएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर सत्र 2021-22 की सेमेस्टर परीक्षा एवं बीएफए, बीम्यूज, बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा तथा स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष संस्थागत, व्यक्तिगत, भूतपूर्व के छात्र छात्राओं के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं जमा करने अंतिम तिथि अद्योलिखित विवरण के अनुसार निर्धारित की जाती है। यानी कि दोस्तों, इस नोटिस का मतलब यह है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके बाद अगर आपका सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है दोस्तों, तो आप सबके लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का जो डेट था वो पहले आपका 21 तारीख तक था, यानी कि 22 तक था आपका फॉर्म भरने का। लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है कि उसको अब जो है डेट अब 28 फरवरी कर दिया गया, यानी कि दोस्तों उसको एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि अगर आपका बीए बीकॉम, देखिए बीए बीकॉम बीएससी प्रथम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर है, या फिर आपका बीएड है, या फिर आपका जो है कि बीए मास कम्युनिकेशन है, बीएफए है, बीम्यूज़ है, या फिर आपका बीएससी मैथ बायो का सेकेंड ईयर है, ठीक है, और अगर आपका मान लीजिए कि थर्ड ईयर है, ठीक है, अगर आपका रेगुलर है और अगर आपका प्राइवेट भी है, तो आप सबके लिए अपडेट ये है कि आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, देखिए जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उनका तो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और थर्ड ईयर के, तो उनका क्या होगा कि एनुअल एग्ज़ाम होगा, यानी कि साल में एक बार होगा, वार्षिक परीक्षा होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सबके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो तिथि है, यानी कि जो डेट है, उसको 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई। दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं और प्लीज़ आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की, यानी कि जो परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है, वो 22 से लेकर के 28 तक, 28 फरवरी तक उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ महाविद्यालय में आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी जमा करने की जो तिथि है, यानी कि जो डेट है, वो 1 मार्च है, यानी कि 1 मार्च तक जो है, आप 1 मार्च तक जो हार्ड कॉपी निकलता है, हार्ड कॉपी, उसको आप अपने महाविद्यालय में, यानी कि अपने कॉलेज में जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप जमा करा सकते हैं। बाकी दोस्तों, जो चीज़ें हैं ये आपके महाविद्यालय के लिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। केवल आपको करना ये है कि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर के क्या करना है, आपको अपने महाविद्यालय जाकर के इसको सबमिट कर देना है। हालांकि दोस्तों, अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो उसके लिए भी ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म इजीली तरीके से भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
हालांकि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि इसके बाद फिर से जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है जो इसको बढ़ाई नहीं जाएगी, ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला अपडेट आप सबके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों हम आपको ये बता दें कि आपकी परीक्षाएं कब होंगी, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से प्लीज़ ध्यान से इसको समझिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। देखिए दोस्तों, जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, जिनका भी फर्स्ट सेमेस्टर है तो उनकी परीक्षाएं मार्च में संभावित हैं, ठीक है, मार्च में हो सकता है या फिर बहुत जाएगा, बहुत लेट भी होगा तो मार्च के आखिर तक आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और आपका जो टाइम टेबल वगैरह है वो इस महीने के आखिर तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका टाइम टेबल आ जाएगा और उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। और दोस्तों देखिए, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड इशू होना शुरू होगा हम आपको एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपको फिलहाल अपनी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट रहेगी DNS इन्फो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा, सारी अपडेट आपको तक पहुंचाएगा। लेकिन केवल इसके लिए आपको हमारे चैनल को यानी कि DNS इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपको हर एक अपडेट काशी विद्यापीठ से टाइम पे वो सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारे सेकेंड ईयर के छात्र हैं, यानी कि अगर आपका सेकेंड ईयर है, BA है, BSc है, BCom है, ठीक है, या फिर अगर आपका थर्ड ईयर है, ठीक है, अगर आपका थर्ड ईयर है, BA है, BSc है, BCom है, तो मैं आप सबको बता दूं कि जो आपकी परीक्षा है, जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा होती है, आपकी परीक्षा या तो अप्रैल में या फिर मई में, ज़्यादातर चांसेस है कि अप्रैल में होगा, ठीक है, और आपका जो टाइम टेबल वगैरह है वो मार्च में आएगा और एडमिट कार्ड भी मार्च में। हालांकि जैसे ही आपका टाइम टेबल आएगा या फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों, सब कुछ हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर एक अपडेट, सटीक अपडेट आपको मिल जाए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप में से जिनका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम चल रहा है उनकी परीक्षाएं मार्च में होंगी और जिनका एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, उनकी परीक्षाएं कब होंगी, अप्रैल में। ज़्यादातर चांसेस है कि आपकी परीक्षाएं अप्रैल में होंगी या फिर बहुत डिले होगा तो मई में शुरू हो ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी जो हमारे BA मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं और BFA की, उनकी भी परीक्षाएँ अप्रैल में होंगी। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, कोई भी अपडेट आती है काशी विद्यापीठ से तो DNS इन्फो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा।